फाइव रूल्स टू बी सक्सेसफुल। तरक्की करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिन पांच नियमों की ज़रूरत होती है, आज उन्हीं के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ भी बताने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, और वह यह है कि पहले मैं भी जब कभी इन फाइव रूल्स के बारे में कहीं पढ़ता या सुनता था तो मुझे भी यही लगता था कि यह सब बकवास है। सोचता था कि क्या सिर्फ कुछ रूल्स को फॉलो करके सक्सेस हासिल की जा सकती है, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए तो पैसे चाहिए पैसे। दोस्तों, यकीन मानिए, मैंने एक एक करके तीन बिजनेस स्टार्ट किए, उन पर पैसे भी खर्च किए, पर इन्हीं फाइव रूल्स को फॉलो नहीं किया, इसीलिए एक एक करके मेरे तीनों बिजनेस बुरी तरह फेल होते गए। मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। सेल्फ एनालिसिस किया तो एक ही बात निकल कर सामने आई कि मैंने इन फाइव रूल्स को ठीक तरह से फॉलो नहीं किया था। समस्या समझ में आते ही एक जिद पैदा हो गई कि अब इस बार मैं पूरी तरह से इन फाइव रूल्स को फॉलो करूँगा, फिर रिजल्ट चाहे जो भी हो, मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैंने इन फाइव रूल्स को झूठा और गलत साबित करने के लिए अपनी क्षमताओं के अनुसार नाम मात्र के पैसे लगने वाला एक बिजनेस प्लान बनाया और उसको स्टार्ट कर दिया, और उस बिजनेस प्लान में पूरी तरह से इन पांचों नियम को, इन फाइव रूल्स को पूरी ईमानदारी के साथ अप्लाई कर दिया। अब चूंकि मुझे इन रूल्स को गलत साबित करना था, इसीलिए मुझे इन रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो भी करना था, और मैं कर भी रहा था, क्योंकि इंसान दूसरों से तो झूठ बोल सकता है, पर खुद से झूठ कैसे बोल पाएगा। मुझे खुद की नज़रों में इन फाइव रूल्स को झूठा साबित करना था, इसीलिए पूरी ईमानदारी से इन नियमों पर चलना भी था, और मैं चलता गया, फॉलो करता गया। दोस्तों, आपको शायद यकीन नहीं होगा कि महज 3-4 महीने ही इन फाइव रूल्स को फॉलो करने से मुझे सक्सेस मिलनी शुरू हो गई, और 6 मंथ होते होते इन फाइव रूल्स ने मुझे झूठा साबित कर दिया। 6 महीने में ही मुझे एक अच्छी सक्सेस, या यूं कहें कि मेरे उस बिजनेस को एक बहुत ही अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, जो तब से लेकर अब तक निरंतर बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, यह सब बातें बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप इन फाइव रूल्स को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। यह बहुत ही पावरफुल रूल्स हैं, यह अमीर बनने के रूल्स हैं, किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करने के रूल्स हैं। तो इन रूल्स को ध्यानपूर्वक सुने व समझें और असीम सफलता हासिल करें। तो चलिए बात करते हैं रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1, हार्डवर्क, यानी कठिन परिश्रम। दोस्तों, किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए आपका हार्ड वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको 2 चीज़ों में से एक चीज़ चुनना ही पड़ेगा, या तो एक्सक्यूजेस या सक्सेस। या तो आप बहाने बना लो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, कल करूँगा, परसों करूँगा। मतलब साफ है कि या तो काम चोरी को चुन लो, या तो कठिन परिश्रम को चुन लो। अब अगर आपने हार्ड वर्क को चुना है तो उसकी दिशा भी ठीक कर लो। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर सही दिशा में हार्डवर्क करोगे तभी सक्सेस हासिल होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक रिक्शे वाला है, वेरी हार्ड वर्किंग मैन, वह दिन भर बहुत मेहनत करता है, पर क्या वह अमीर बनता है? नहीं ना, क्योंकि उसके हार्डवर्क करने की दिशा ही सही नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर रिक्शे वाले यह सोचते ही नहीं हैं कि मुझे कुछ और भी करना है, या मुझे इस रिक्शे को चलाते हुए ऑटो चलाना भी सीखना है, फिर उस किराए के ऑटो चला कर एक दिन अपना खुद का भी ऑटो खरीदना है। ऐसा कौन रिक्शे वाला सोचता है? अगर किसी ने सोच भी लिया तो वैसा करेगा ही नहीं, खुद को एक्सक्यूजेस देने लगेगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पैसा होता तो मैं ये करता, पैसा होता तो मैं वो करता। इसीलिए मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्किंग होना ही पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। तो सक्सेस पाने का पहला रूल है हार्डवर्क। रूल नंबर 2, डिसिप्लिन, अनुशासन। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में जितने भी अमीर इंसान हुए हैं,
सभी अनुशासित रहे हैं, उन सभी ने डिसिप्लिन का पालन किया है, तभी वे इतने अमीर हुए हैं। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि डिसिप्लिन आपका समय बर्बाद होने से बचाता है, आपको फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद करने से रोकता है, आपको समय के साथ चलना सिखाता है। डिसिप्लिन आपको प्रोडक्टिव बनाता है। बिना डिसिप्लिन के इंसान का जीवन उसी तरह होता है जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी। अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक होगा तो आप गाड़ी अपने तरीके से अपने हिसाब से चला पाएंगे, और अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा तो गाड़ी अपने हिसाब से ही चलेगी और एक्सीडेंट भी होगा। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं, औरों की तरह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, तो निश्चित ही आपको अनुशासित होना ही पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में स्वर्णिम लक्ष्य को प्राप्त करवाने में सक्षम हो सकते हैं। रूल नंबर 3, सेल्फ बिलीव, आत्मविश्वास। दोस्तों, सारी दुनिया एक तरफ और आपका आत्मविश्वास एक तरफ। जब भी आप लीक से हटकर कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे ना, तो यह दुनिया या समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका समाज होगा छोटी सोच रखने वाला, तो उनकी मानसिक फाइल आपके सिस्टम को सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एंड्रॉयड मोबाइल है जो कि 8GB सपोर्ट करता है। अब अगर आप उसमें 64GB सपोर्ट करवाना चाहते हैं तो वह सपोर्ट नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसका सिस्टम ही 8GB सपोर्ट करने वाला बना है। इस समय अगर आपके आइडिया को, आपकी बड़ी सोच को, आपके कुछ अलग नया व बड़ा करने की चाहत को कोई सपोर्ट कर सकता है तो वह है आपका सेल्फ बिलीव्स, आपका अपना आत्मविश्वास। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, चाहे वह कोई बड़ा काम हो या छोटा, और अगर उस काम को लेकर आपके अंतर्मन से, यानी कि आपके दिल से आवाज़ आती है कि हाँ मैं यह काम कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप उस काम को कर सकते हैं। फिर या दुनिया या समाज आपके बारे में चाहे जो सोचे, चाहे जो कहे, आपको उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए एक बात और बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में जितने भी सारे इन्वेंशंस हुए हैं, जितने भी तरह के आविष्कार हुए हैं, वह इसीलिए हो पाए हैं क्योंकि उन साइंटिस्टों को खुद पर भरोसा था, उन्हें आत्मविश्वास था कि यह आविष्कार मैं कर सकता हूँ, और उन्होंने करके दिखाया भी। तो यह होती है सेल्फ बिलीव की पावर। एक बात और, कोई भी इंसान जो भी सोचता है या जो भी वह करता है, वह अपनी समझ से ठीक ही करने की कोशिश करता है, फिर भी चीज़ें गलत हो जाती हैं, लोग फेल हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आपने जो भी प्लान बनाया है उसके निगेटिव पॉइंट्स को एक बार फिर से अच्छी तरह चेक जरूर कर लें। पॉइंट नंबर 4, ऑब्सेशन, जुनून। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जिस जिसको भी इस जमाने ने पागल कहा है ना, उसी पागल ने इतिहास रचा है। फिर चाहे वह चंद्रशेखर आज़ाद व भगत सिंह जैसे हजारों आज़ादी के दीवाने हों, चाहे एलोन मस्क, जेफ बिजोस, वॉरेन बफे जैसे जुनूनी बिजनेसमैन हों, या फिर निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग जैसे सैकड़ों साइंटिस्ट हों, या सभी लोग जुनूनी व्यक्ति थे, इसीलिए लोग शुरू में इन्हें पागल भी कहते थे। जिस चीज के बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता, उस चीज का आविष्कार कर देना, यह काम तो कोई पागल व्यक्ति कर सकता है ना। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ भी बड़ा, कुछ भी अलग करने के लिए आपके अंदर वह जुनून, वह पागलपन होना जरूरी होता है। लोग अगर अभी आपको पागल समझते हैं तो बुरा मत मानो, समझ लो कि आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो इन लोगों के बस की बात नहीं है। मैं सच बताऊं तो मुझे जब भी कोई शख्स पागल कहता है या समझता है, तो मुझे लगता है कि मैं राइट ट्रैक पर हूं, और मुझे पागल कहकर वह मुझे अवार्ड दे रहा है, क्योंकि कुछ भी बड़ा करने के लिए पागलपन का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस जिस पर यह जग हंसा है, इतिहास गवाह है, हर उस शख्स ने इतिहास रचा है। रूल नंबर 5, पेशेंस, धैर्य।
एक किसान जब अपने खेतों में कोई बीज बोता है तो तुरंत ही उसका फल उसे नहीं मिलता है। इवन उसे कई महीनों तक उस फसल की देखभाल करनी पड़ती है, उसमें खाद पानी देना पड़ता है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है और इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर उसे उसकी मेहनत का फल मिलता है। जिस तरह किसी वृक्ष का पौधा लगाने पर वह तुरंत ही फल देना शुरू नहीं करता है, बल्कि उसके लिए कई वर्षों का इंतजार करना पड़ता है, ठीक उसी तरह कोई भी इंसान रातों रात करोड़पति नहीं बनता है। उसके लिए उसे धैर्य रखना पड़ता है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आपके लक्ष्य बड़े हैं तो आपको त्याग भी बड़े ही करने होंगे और धैर्य भी रखना होगा। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम करने को तैयार हैं, अगर आप अनुशासित होकर कार्य करने को तैयार हैं, अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है, अगर आप में कुछ कर गुजरने का जुनून, कुछ बड़ा करने का पागलपन है, तो निश्चिंत होकर जुट जाइए अपने सपनों को साकार करने के लिए और धैर्य बनाए रखिए। निश्चित ही एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियोस में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।